हाई गाइज, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ पूजा. वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग. आज है ट्यूजडे एंड हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है. बच्चों का ऑनलाइन स्कूल भी ख़त्म हो चुका है. बच रहे हैं 12:15 एंड अब मैं जा रही हूँ किचन में. आफ्टर आई हैड माई शावर एज वेल एंड अब मैं जा रही हूँ किचन में फॉर लंच प्रिपरेशंस. और मैंने सोचा है आज, बिकॉज आई हैव सम पुदीना एंड पनीर भी रखा है घर पे, सो आई थॉट वाई नॉट मेक पनीर पुदीना बिरयानी, जो मैंने बहुत पहले बनाई थी. मैंने रेसिपी भी शेयर की है उसकी, सो आई एम गोना मेक दैट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो चलते हैं किचन में, लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन. आकृति यहाँ बना रही है नींबू शिकंजी. मीन वाइल आई एम डूइंग अदर प्रिपरेशंस. यहाँ पे मैंने मोठ जो कल रात भिगोए थे उनको एक मसलिन क्लॉथ में रैप कर दिया है. इसके बनेंगे स्प्राउट्स एंड मन है मेरा इससे बनाने का मिसल पाव. बाकी देखते हैं, जिस दिन ये स्प्राउट्स रेडी हो जाएंगे कल या परसों, तब देखेंगे कि क्या बनाएं, सैलेड या मिसल पाव, वो तब का तब डिसाइड करेंगे. फिलहाल तो इसको स्प्राउट्स करने के लिए मैंने ऐसे रख दिए हैं, इस पे अभी लिड लगा दूंगी. ओके गाइस, प्लान में है थोड़ा सा चेंज. सोचा था पुदीना बिरयानी बनाएंगे, लेकिन पुदीना बिरयानी नहीं बन रही है, बन रही है पुदीना राइस. उसकी भी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले, आई विल ऐड दैट लिंक ऑल्सो. सो मैं यहाँ साफ कर रही हूँ पुदीना, उसके लिए पुदीना साफ कर लूँ, फिर बनाऊँगी पुदीना राइस. बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, बहुत ही यम्मी बनते हैं और बहुत झटपट भी रेडी हो जाते हैं. सो लेट मी डू दिस एंड देन मिलते हैं आप सबसे. खाने के टाइम पे. खाने के टाइम पे. नो, आई विल गिव देम अ ग्लिम्स. रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, आई थिंक मैं कर चुकी हूँ. या I'll just give them a glimpse कि क्या हो रहा है. और मे बी आई लैंड अप मेकिंग पुदीना बिरयानी ओनली. वाई एम आई सो कन्फ्यूज टूडे? नो, मैं क्यों इतनी कन्फ्यूज हूँ आज? इट्स ओके बालिके, होता है. सो मैं हूँ आज वो कन्फ्यूज आत्मा या जिसको कुछ नहीं पता कि आज करना क्या है. क्योंकि आज मेरे बेसिकली बहुत सारे काम है. आज मेरा वेलोना का अपॉइंटमेंट भी है, मेरे स्किन लेज़र स्किन क्लीनिंग टोनिंग का. सो और मुझे एक दो जगह और जाना है उनके साथ. आई एम सो कन्फ्यूज कि क्या क्या किया जाए. सो चलो गाइस, मिलते हैं ये करने के बाद फिर. गाइज, आई एम बैक. लंच के बाद बस ऐसे ही थोड़ी देर टाइम पास किया. पहले तो अपना इंस्टा का कुछ काम था वो ख़त्म किया, फिर थोड़ी देर टाइम पास किया बच्चों के साथ एंड देन आकृति स्लेप्ट. शी वॉजंट वेरी वेल, सो शी स्लेप्ट. एक्चुअली खेल खेल में धीर की बैट से आकृति को लग गई थी हाथ में, सो शी वॉज हैविंग पेन इन हर आर्म्स, सो वो सो गई. एंड उसके बाद हमने चाय वगैरह पी एंड नाउ आई वोकअप, नॉट वोकअप, आई मीन आई केम आउट फ्रॉम माई रूम एंड मुझे जाना था वेलोना. आई बेसिकली हैड माई अपॉइंटमेंट एट वेलोना टुडे एट 4:30, बट डॉक्टर वहाँ है ही नहीं, डॉक्टर इजंट अवेलेबल टुडे. सो इसीलिए आई वोंट बी गोइंग टू वेलोना, बट आई हैव टू गो टू एन अदर प्लेस विच इज़ क्लोज बाई टू वेलोना. तो मैंने सोचा था जब वेलोना जाऊँगी ये दोनों काम साथ में हो जाएंगे. सो अब मुझे आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा एंड वॉट इज़ द वर्क आई शो यू, जस्ट गिव मी अ मिनट. परी उठ जा. सो इफ यू एक्चुअली सॉ
माई ब्लॉग 2 डेज बैक, जिसमें मैंने एक कैंपेन के लिए शूट किया था इन मल्टीपल आउटफिट्स, उसमें आई यूज दिस ब्लैक बैकड्रॉप. सो हुआ ये था, आई नीडेड अ ब्लैक बैकड्रॉप बट इट वॉज टू शॉर्ट पीरियड फॉर मी टू ऑर्डर इट ऑन अमेजोन बिकॉज वो इतनी जल्दी डिलीवर नहीं होता. सो आई थॉट आई विल बाई समथिंग लाइक अ कर्टन, ब्लैक कर्टन फ्रॉम अ नियर बाई स्टोर एंड यूज दैट. But while buying the curtain, I asked them, like Vipul had gone to buy the curtain, we asked them if there is any issue in that, will you be able to exchange it? They said, yes, 2-3 din mein aap le aaiye, exchange ho jayega. So, ab isme problem kya hai na, that these are not very apt for, mujhe pehle laga tha that they'll be fine, kya farak padta hai, it's just a black fabric, so Amazon se mangao ya yahan local store se kharido. It's the same, but it's not the same. There is a difference in the fabric. There is a difference in lot of other factors, like you know, it. The ones available on Amazon are reflection resistant and all that. So there are too many other technical things that we need to keep in mind while choosing a backdrop. So ideally, this is thick cotton fabric, which is not very ideal for photography or videography backdrops. सो मुझे ये करना पड़ेगा वापस उनको, एंड इसके बदले मुझे लाना है कुछ और. सो आई हैव टू रिटर्न देम एंड बाई समथिंग एल्स अगेंस्ट दिस अमाउंट. सो मैंने सोचा था जब मैं वेलोना जाऊंगी तो ये दोनों काम मेरे साथ में हो जाएंगे, बिकॉज ये दोनों पास पास में हैं दुकानें. आई मीन वेलोना क्लिनिक एंड ये शॉप इज़ नॉट वेरी फार, बट देन सिंस वेलोना आज अपॉइंटमेंट नहीं है एंड दिस वर्क हैज़ टू बी डन टूडे बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू डीले, अदरवाइज एक्सचेंज में लफड़ा होगा. सो आई थॉट अभी हम जाके ये एक्सचेंज करके आ जाए. गाइज, सो फाइनली अब हम निकल रहे हैं. लेट हो गया था बिकॉज बातें करने बैठ गए परी के साथ, एंड बातें करते करते टाइम निकल गया, एंड देन हमको भूख लग गई तो सोचा खा पी के ही चलते हैं आराम से. अब बज रहे हैं 7 and finally now we are leaving. तो चलो मिलते हैं once I reach the store and बताती हूँ मैं क्या exchange करा के लाई हूँ. अच्छा लग रहा है देख. सो हम अपना बाजार का काम खत्म करके यहाँ ऐसे ही वॉक कर रहे थे तो धीर अपने इस नए फ्रेंड से मिलने आया है. ये इस डॉग को किसी ने अबैंडन कर दिया. धीर अब हमें मिलाने लाया. अब हम जब इसको बाय करके जाने लग गए तो ये डॉग रोने लग गया. दैट वाज सो सैड. ये जैसे ही धीर जा रहा है ये फिर रो रहा है. हेलो सो सैड. कैन यू गेट हिम बिस्किट्स? जैसे ही धीर गया ये फिर रोने लग गया. धीर उसके फ्रेंड्स को बुलाने गया है. डॉग इज क्राइंग. जैसे ही तो गया द डॉग स्टार्टेड क्राइंग. धीर के फ्रेंड्स आ नहीं रहे हैं घर पे, शायद नहीं है बिस्किट्स. मैं तो खाती नहीं हूँ, मुझे आइडिया ही नहीं है लास्ट किसने ख़त्म किए. सो धीर के फ्रेंड्स आ नहीं रहे हैं और घर पे बिस्किट्स ख़त्म हो गए हैं, तो अब बस हम पास में एक शॉप है वहाँ जाएंगे, बिस्किट्स लेंगे, उस डॉग को खिलाएंगे, फिर घर जाएंगे. परी गई है गाड़ी में से सबके मास्क लेने, बिकॉज़ हम जैसे ही आए थे शॉप से जो कर्टन एक्सचेंज करवाना था वो करके हम सीधा नीचे से ही धीर को साइकिलिंग कराने ले गए. साइकिलिंग नहीं, बेसिकली इसको उस डॉग से मिलना था अपने फ्रेंड्स के साथ, बट अब इसके फ्रेंड्स आ नहीं रहे हैं.
सो हमारे मास्क वगैरह सब गाड़ी में ही रखे हैं, तो वो लेने आए हैं। मास्क लेंगे और नियर बाय स्टोर से बिस्किट्स लेते हुए विल गो फीड द डॉग एंड देन वी विल कम बैक होम। तो ये है अभी का एजेंडा। हाँ, धीर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एक्चुअली, और अब उसको गुस्सा आ रहा है कि मेरे फ्रेंड्स ने एक अबैंडन डॉग को अबैंडन कर दिया। मिलने का प्लान था, उस डॉग से खेलने का प्लान था, कैंसिल कर दिया। कम दे डिडंट कम, बैड, दैट्स ओके। चलो, सो दे आकृति हम सब के मास्क ले आई। अब हम जा रहे हैं नियर बाई स्टोर, मोर सुपर मार्केट है यहाँ पे, वहाँ से बिस्किट्स लेंगे एंड देन डॉग को खिला के वापस घर आ जाएंगे। चलो क्विकली। सो धीर को देखते ही देखो कैसे भाग के आया ये डॉग। अब हम इसको बिस्किट्स खिलाएंगे एंड देन हम निकल जाएंगे। ये कैसे भाग के आया ना धीर को देख के। धीरो नीचे से दे बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे तू भी डरेगा। हाँ, जैसे परी दे रही है ऐसे दे। कहाँ गया तेरा वाला, खा लिया उसने? भूखा है ना? नहीं, कितने समझदार है देखो जानवर भी। उसका जैसे ही पेट भरा वो हट गई। वी डिडंट नो व्हेन टू स्टॉप एंड जैसे ही उस डॉग का पेट भरा डॉग हट गया। एंड अभी जब हम आए तब रोया भी नहीं। उसको खाना चाहिए था, शी वाज हंग्री। हाँ, सो या दैट वाज इट। हम लोग आ गए स्टोर से भी आ गए, वो एक्सचेंज करा के कर्टन, ब्लैक कर्टन, उसके बदले हमने विपुल के लिए कुछ लिया है बिकॉज देयर वाज नथिंग गुड फॉर मी एंड आकृति, नाइदर डिड वी फाइंड एनीथिंग फॉर धीर, सो उसके बदले वी गॉट समथिंग फॉर विपुल। हाँ, उस डॉग को भी खिला के आ गए। धीर इज़ वेरी हैप्पी नाउ। और धीर कह रहा था ऑन द वे बैक होम डॉग को खिलाने के बाद कि अब मुझे पूरी रात उस डॉग का नाम सोचना पड़ेगा बिकॉज उसका नाम रखा था इन्होंने ऑस्कर, जबकि इट्स अ शी। या इट्स अ शी, सो ही सेइंग अब इसको दूसरा नाम देंगे हम। सो या दैट्स इट फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक्ड वॉचिंग इट एंड इफ सो प्लीज कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैटन लैडल इज माई अकाउंट for all the latest updates. So that's it, I'm ending this vlog here. See you tomorrow on a new day with a new vlog. Until then, take care, bye bye. And ha, ek important note that I would like to give you all, ki agar aapko koi bhi aisa janwar, dog, cat ya any koi bhi aisa janwar dikhe jo bhookha hai, jisko madad ki zarurat hai, please don't hesitate. ये मत सोचिए कि हम इन्फेक्शन घर ले आएंगे। यस, अपनी प्रिकॉशंस रखिए, अपने सेफ्टी मेजर्स रखिए, हाइजीन का पूरा पूरा ध्यान रखिए, बट डू वॉट एवर यू कैन फॉर दैट लिटिल यू नो क्रीचर। मे बी आपकी एक छोटी सी हेल्प उसके लिए बहुत ये बहुत मायने रखे। सो आई कुड सी दैट सेटिस्फैक्शन ऑन धीर्स फेस व्हेन ही फेड द डॉग एंड व्हेन द डॉग वाज सेटिस्फाइड एंड अपने आप ही वो दूर हो गया कि मेरा पेट भर गया है। He stopped crying after we gave him food and we left. Yeah, he stopped crying. I mean, she stopped crying. Yeah, जब तक उसको खाना नहीं दिया था और हम बाय कर रहे थे तो वो डॉग रोए जा रहा था, बट जैसे ही उसका पेट भरा और हमने बाय किया वो पीछे हो गई एंड शी वॉज लाइक ओके फाइन नाउ यू गो। सो इतनी समझ है उनमें। सो बस यही मैसेज देना था। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, सी यू टुमारो अगेन विद अ न्यू ब्लॉग। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।